वन नेशन वन इलेक्शन, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में जो डिसीजन लिया है इसका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और माननीय मोदी जी का पूरे कैबिनेट का अभिनंदन करता हूं। एक्चुअली वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए क्योंकि विच इज एन कॉस्ट इफेक्टिव। हम बोल रहे हैं कि जिस तरह से हर एक इलेक्शन में यानी जो बहुत बड़ी कॉस्ट लगती है विच इज एक्सपेंसिव हो गया डे बाय डे और हर इलेक्शन को बहुत सारा इस तरह से कॉस्ट बढ़ने लगी है, एक ही बार इलेक्शन होने से दिस कॉस्ट विल रिड्यूस एंड दिस एक्सपेंसेस विल बी यूटिलाइज्ड या दिस रिसोर्सेज शुड बी यूटिलाइज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट, डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। सेकंड थिंग, इट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। हम बोलते हैं कि पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इस तरह से जब इलेक्शन में लगता है तो पूरी यानी डिसीजंस हेल्ड अप हो जाती है, जो काम करने के लिए यानी स्टाफ जगह पे नहीं रहता है। हर एक साल में कौन सा तो इलेक्शन रहता है, 5 साल में 5 डिफरेंट इलेक्शंस रहती है और विच क्रिएट्स द प्रॉब्लम, मिनिमाइज द डिसरप्शंस। हम बोलते हैं कि गवर्नेंस में बार बार इस तरह का ऑब्स्ट्रक्शन आना, इस तरह के हर्डल्स आना, इस तरह की जो कंटिन्यूटी जो रहती है वो नहीं रहती है। हर साल कोई पंचायत का हो, जिला पंचायत का हो, असेंबली का हो, काउंसिल का इलेक्शन हो या लोकसभा का इलेक्शन हो, इस तरह के प्रोजेक्ट आगे जाने के लिए इस भी क्रिएट्स द मोर प्रॉब्लम। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट स्टेबिलिटी एनहेंस द गवर्नमेंट स्टेबिलिटी लाने के लिए, चाहे वो केंद्र में हो या राज्य में हो, मुझे लगता है गवर्नमेंट स्टेबिलिटी आ जाएगी। इस तरह से एक बार चुने तो 5 साल में यानी वही स्टेट में हो या केंद्र में रहेंगे, चाहे इस तरह की स्टेबिलिटी आना बहुत ही जरूरी है। इस तरह से डेवलपमेंट अच्छी तरह से आ सकती है। वोटिंग परसेंटेज के बारे में कह जाए तो लोकल गवर्नेंस या लोकल बॉडीज में परसेंटेज ज़्यादा रहती है, लोकसभा के पोल्स में परसेंटेज बहुत ही कम रहती है। मुझे लगता है कि एक साथ इलेक्शन होने के कारण वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा बढ़ेगी, इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन का मैं गोवा के लोगों की तरफ से, गोवा की सरकार की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और जो इसका मैक्सिमम पॉलिटिकल पार्टी ने इसका स्वागत किया है और कमेटी ने जो रिपोर्ट करके माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के पास दिया और माननीय प्रधानमंत्री ने ये रिपोर्ट कैबिनेट में पास किया, इनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। जल्दी से जल्दी वन नेशन वन इलेक्शन बिल पास होके लागू होना चाहिए, बस यही रिक्वेस्ट है।